राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ने सदर लोकसभा सीट से जयप्रकाश मिश्र को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जयप्रकाश मिश्र शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडियन को नामांकन पत्र सौंपने के बाद गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जयप्रकाश मिश्र ने कहा, मालूम है ना, अंदर गेट से एक के साथ चार जाने हैं तो दोबारा पांच लोग बाहर हो जाएंगे। जयप्रकाश मिश्र प्रत्याशी राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया 64 गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल करके भी आया हूँ। क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारा मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गोरखपुर क्षेत्र में जो जाम और जल भराव की समस्या है वह प्रमुख मुद्दा रहेगा। और एक मुद्दा और प्रमुख रहेगा, जो निजी छोटे विद्यालय चल रहे हैं वह हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इनके संरक्षण और पोषण के लिए हम संघर्ष करेंगे।